चोर सुनसना क्षेत्र में खड़े दो पहिया वाहन पर पलक झपकते ही हाथ साफ कर देते हैं। वहीं ट्रक चुरा कर ले जाने में भी बदमाश पीछे नहीं हट रहे। नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र के भोपाल रोड से एक ट्रक गत दिनों चोरी हो गया था। पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है। वहीं एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक चोरी करने के बाद फरियादी से संपर्क कर उसी का सौदेबाजी कर रुपए लेकर उसी से ही सुपुर्द कर देते थे। दरअसल नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में 3 जनवरी को भोपाल रोड पर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के पास स्थित गैरेज से एक ट्रक को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। इसको लेकर पीड़ित ने नाहर दरवाजा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने ट्रक को टोंक खुर्द के रणियार कला से जब्त कर रोहित पिता हरिलाल नागर निवासी रणियार कला देवली टोंक खुर्द को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी माखन सिंह गुजर निवासी समसखेड़ी को फरार बताया जा रहा है। जब्त ट्रक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस फरार आरोपी माखन सिंह गुजर की तलाश कर रही है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।